नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। राजधानी पटना में पर्यटन निगम के 74 फायर चालकों को कार्यमुक्त किए जाने के विरोध में बिहार राज्य संविदा चालक संघ के द्वारा अग्निशमन कार्यालय लोदीपुर पटना में फायर विभाग के कार्यरत चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि सभी विभाग के पदाधिकारी और बिहार सरकार के द्वारा सभी चालकों का शोषण किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों को मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यटन निगम से बहाल चालक हम लोग फायर ब्रिगेड अग्निशमन विभाग में काम कर रहे हैं। जब विभाग और सरकार को चालकों की जरूरत पड़ी तो सरकार पर्यटन निगम के माध्यम से बहाल करके अग्निशमन तथा अन्य विभागों में चालकों को सेवा नियुक्त की। लेकिन आज अग्निशमन खुद सरकारी चालकों को बहाली करने के बाद पर्यटन चालकों को जबरन बिना कुछ सोचे समझे कार्य मुक्त कर रहा है, जो घोर अन्याय और अनर्थ है। हमने मुख्य मांग करते हैं अग्निशमन के वरीय पदाधिकारी एवं बिहार सरकार से, मेरा मुख्य मांग है कि हम लोगों की सेवा 60 वर्षों के लिए विस्तार किया जाए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार होने से बच सकें। राजधानी पटना के विस्कोमान स्थित दादी जी मंदिर के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सप्त सितारा जीवन जीने की कला सिखाई गई। आपको बता दें कि राज दीदी ने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को अपने जीवन को और बेहतर बनाने के गुर सिखाए। इस तरह के कार्यक्रम के पीछे ये उद्देश्य है कि छोटी छोटी गलतियां जो अनजाने में कर जाते हैं, जैसे आज शब्दों का ही प्रयोग था, हम इतनी शब्दों को अहमियत नहीं देते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। जब लोग ये टॉक्स, इस तरह के टॉक्स सुनते हैं, अपने शब्दों पर फोकस करते हैं और सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, स्वाभाविक है फिर ऐसे करने से जिस तरह का जीवन वो जीना चाहते हैं, 7-star लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो आसानी से, सरलता से वो हासिल कर सकते हैं। जनाधिकार पार्टी ने हिलसा के योगीपुर गांव में मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें ठंड से ठिठुरते गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गौरतलब है कि अब तक इस कड़ाके की ठंड में प्रशासन के द्वारा किसी इलाके में कंबल वितरण नहीं किया गया है। वहीं अब इन गरीबों को कड़ाके की ठंड से बचाने का जनाधिकार पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया है। सेवा भाव, सब धर्म वसुदेव कुटुंबकम, सेवा भाव और समर्पण मानवतावादी सोच जो हमारी पार्टी का विचार है। CAA के समर्थन में फतुहा भाजपा नगर अध्यक्ष शोभा देवी के नेतृत्व में भव्य धन्यवाद मार्च निकाला गया, जो फतुहा कल्याणनाथ से फतुहा चौराहा होते हुए महारानी चौक तक गया। वहीं इस मार्च में संजीव यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राजधानी पटना के यूथ हॉस्टल में इनर विल की तरफ से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके आखिरी दिन भारत की सभ्यता से जुड़ी और साथ ही विलुप्त होती चीजों का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये सारी चीजें हैंडमेड है। इस स्टॉल में हम लोगों ने जूट से जुड़ी संबंधित जो आर्टिकल्स है उनको हम लोगों ने लगाया है, जिसके दौरान जो ये जब बिक्री होगी, ये मार्केट में जब सेल आउट होगा, तो उन पैसों को हम चैरिटी करेंगे और जो स्लम के बच्चे हैं उनके एजुकेशन पे खर्च करेंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक स्टॉल लगाए हैं, जिसके लिए इनरविल क्लब नव्या को बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी के मनपौर गांव में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अनुमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मिथिला की प्रसिद्ध गायिका पूजा मिश्रा ने मंगलाचरण गाकर किया। मौके पर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी अतिथियों को पाग और दुपट्टा से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों और बच्चों को संबोधित करते हुए DSP पुष्कर कुमार ने कहा कि निजी विद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता का वाहक है। सभी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कालिदास ऐसे महान व्यक्ति यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं और आपको जो है आप अयाची मित्र की तरह शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ के सारे लोगों को, सारे शिक्षकों को, इसी तरह का गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कार्यक्रम अभिभावक को मोटिवेट करना
उत्साह प्रोत्साहित करना कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, और हम उनके बच्चे के लिए हैं, हम निश्चित रूप से उनके बच्चे के साथ हैं। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सरकारी विद्यालय से जो उनका रुचि घटा है, उस रुचि को हम लोग दूर रुचि को बनाए रखेंगे और पूरे तन मन से उनके बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना सक्षमता दिखाएंगे। उधर मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के बिजलपुरा गांव में हुए भीषण डकैती मामले में पुलिस ने मोबाइल ट्रेस के आधार पर एक और अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, साथ ही अन्य अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सफलता मिली है और एकाक और हिरासत में लेके उसमें पूछताछ कर की जा रही है। फिर आगे भी आज देखते हैं, रेड छापामारी करा रहे हैं, कांड का उद्भेदन हो गया है। बात करें मोतिहारी की, तो मोतिहारी के घोड़ा सहन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घोड़ा सहन बाजार के एक आवासीय घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी छुहाड़ा जब्त करने में सफलता पाई है। थाना अध्यक्ष रोशन ने बताया कि छापेमारी के दौरान 32 बोरा विदेशी छुहाड़ा बरामद किया गया है, जिसे कागजी प्रक्रिया के बाद इसे मोतिहारी कस्टम को सुपुर्द करने की बात कही गई है। सुगौली अहिबरन जयंती समारोह के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद झंडोत्तोलन भी किया गया। मौके पर बरनवाल समाज को संबोधित करते हुए विधायक रागिनी बरनवाल ने अपने समाज के लोगों के उत्थान पर चर्चा भी की। मधुबनी के साहर घाट में 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर एसडीएम मुकेश रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद एसडीएम मुकेश रंजन के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर पूर्वाभ्यास भी किया गया। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।